Welcome back to my channel, and today Cherry says hi everybody. आज सुपर मॉनसून है मुंबई में और ऐसी बारिश है कि सब कुछ कैंसिल हो गया. लाइक माय एक्सरसाइज, माय रूटीन, जो डेली रूटीन होता है वो सारा का सारा कैंसिल हो गया. अविनाश आज अपने काम के लिए गया है क्योंकि उसको कुछ राइटिंग वर्क कंप्लीट करना था. तो मैं सोच रही हूँ कि मुझे कुछ शॉपिंग करनी है जो कि अगर अविनाश हो तो वो कतई नहीं हो सकती. वो करने नहीं देगा, वो पैसे खर्चने नहीं देगा मुझे. तो मैं सोच रही हूँ चूंकि वो आज नहीं है तो मैं चुपके से जाके शॉपिंग कराऊं और आप लोगों को अपने साथ लेकर चलूं. तैयार हो मेरे साथ चलने के लिए? तैयार हो ना, आ जाओ. अच्छा, एक और बात बता दूं, शॉपिंग में मुझे लेना क्या है. बेसिकली मैं काफी कुछ प्रैक्टिस वगैरह कर रही हूँ, काफी मेरे वर्कआउट्स वगैरह चल रहे हैं, तो उस चक्कर में ना मेरे पास स्पोर्ट्स वेयर थोड़ा सा कम तो नहीं है, है चीजें लेनी है, दो लेनी है, तो समझ गए ना. तो अगर मिल गई तो मैं ले लूंगी और नहीं मिली तो कॉफी पी के वापस आ जाएंगे. कैन डू छोटा बाबू मेरा, कहा कर जब मम्मा जैसे ही आती है ना, छूना को भी आना होता है. आओगे ऊपर? आओगे ऊपर, आओ. लेकिन बबू मम्मा जा रही है बाहर और मम्मा के ब्लैक कपड़ों पे छारा आप अपने बाल लगा दोगे उसका क्या. मैं ना इसको भी टाइम बहुत कम दे पा रही हूँ मम्मी के चक्कर में. मम्मी के साथ इतनी बिजी हो जाती हूँ ना कि मेरी कैंडू को टाइम कम मिलता है मम्मा के साथ. हमारे बिल्कुल घर के पास में ही एक मॉल है तो वहाँ पर एक दो चीजें अगर मुझे मिल गई तो मैं ले लूंगी. नहीं मिली तो मुझे बोलना मत कि आपने तो बोला कि शॉपिंग दिखाओगे और आपने की नहीं. मिलेगी नहीं तो मैं कैसे दिखाऊंगी, मिल गई तो दिखा दूंगी. बहुत महंगी भी नहीं लेनी मुझे क्योंकि अपना जान मार देगा मेरी यार. लेकिन क्या करूँ, थोड़ी बहुत भी अगर ब्रांडेड आप चीजें लो तो थोड़ा देखो, महंगा तो होता है वो. तो अब मैं निकल रही हूँ और आपको मिलती हूँ मैं सीधा नीचे. तब तक आप लोग बाय बाय कर दियो मम्मा को. चल बाय बाय कर दियो मम्मा को. कुकु बाय बाय कर दियो मम्मा को. मेरा बच्चा, मेरा चकुंदर, मेरा छोटा चकुंदर. अरे कहाँ हो गया, आप थोड़ी ना जा सकते हो बेटा. मॉल में आपको अलाउ नहीं करेंगे बेटा. आप अपने आप को इंसान समझते हो, वो नहीं समझते बेटा. वो आपको इंसान नहीं समझते बेटा. सिक्योरिटी गार्ड्स को नहीं पता कि कुत्ते भी इंसान होते हैं, नहीं पता. उनको बताना पड़ेगा, धीरे धीरे आएगा ना बेटा, धीरे धीरे आपकी मॉल में एंट्री होगी. आई प्रॉमिस आपको कभी ना कभी जरूर लेके जाऊंगी. चलो अभी आप घूमी करने जाना, अभी मेरे साथ नहीं, ठीक है? चलो कैन डू, बाय बाय. बाय बाय, आपको मैं मिलती हूँ सीधा अब नीचे. छोटी बिल्ली, छोटी बेबी, छोटी बेबी, कहाँ से आ जाते हो आप कहाँ से आए हो बेटा? तू कहाँ से आई है और तू मेरे पीछे क्यों आए? बिल्ली बेटा जाओ वहाँ पे जाओ, गो, आप बहुत छोटे हो. अब मैं चली मॉल की ओर. अब चूंकि मैं गाड़ी में व्लॉगिंग नहीं करूंगी तो मैं आपको मिलूंगी सीधा मॉल पे. ये पहुंच गए जी हम मॉल के अंदर. लेकिन ये मेरे व्लॉग्स देखती है. थैंक यू सो मच. क्या नाम है आपका? वैसे पता तो जोहा है इनका नाम. और ये फ्रेम में आना नहीं चाहती है और ये मेरे व्लॉग्स देखती है. थैंक यू. आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं? सारे देखते हो जी? सीरियसली? सी आई लाइक दिस. इट्स ओनली कि मैं ब्लैक लेना नहीं चाह रही थी बट ये अच्छा लग रहा है मुझे. और क्या है और बताओ कुछ अच्छा सा मुझे. ट्रैक पैंट्स ये सब है यार. ये सारे कलर्स हैं मेरे पास. ये न्यू वाला है. कुछ अच्छा जैकेट्स, टी शर्ट्स क्या है? जब तक मेरा बिल तैयार हो रहा है तब तक मैं टाइम पास कर रही हूँ इस शॉप पे और मुझे कुछ नहीं मिल रहा और खरीदने के लिए. सोचा था मैंने अविनाश के लिए मैं कुछ ले लूँ लेकिन मेरे को कुछ ऐसा दिख नहीं रहा अविनाश के लिए. हाँ चप्पल है लेकिन उसका साइज मुझे पता नहीं है. थैंक यू, बाय बाय. जो मुझे खरीदना था वो मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ. हम खरीदने के लिए कुछ है नहीं लेकिन जहाँ तक मैं अपने आप को जानती हूँ मैं कुछ ना कुछ तो और लूँगी. अकेले हूँ तो अविनाश होता तो मुझे कुछ नहीं लेने देता लेकिन अभी कुछ और खरीदूंगी मैं. नहीं 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 ये भी नहीं है. स्ट्रेच पैंट्स हमेशा मैंने देखा है कि ब्लैक कलर पे. मुझे डिफरेंट कलर चाहिए. ब्लैक में पास है, ब्लू है. थैंक यू.
बट मुझे लगता है जो मुझसे एक गलती हुई है वो मैंने ए जो लिया है वो मेरे पास घर पे ऑलरेडी एक है और अभी अविनाश को पता रहेगा तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी और होपफुली ये एक्सचेंज हो जाएगा. ये मेरे पास ऑलरेडी एक है और मैंने गलती से दूसरा ले लिया है. मैं अब यहाँ पे आ ही चुकी हूँ तो मुझे पता है मैं कुछ ना कुछ खरीद के छोड़ूंगी. क्या है ये? फेस हाइड्रेटिंग मिस्ट सेट एंड फ्रेश मेकअप फिक्सर. सो आप ये विदाउट नॉट मेकअप फिक्सर. नो नो, दिस इज अ हाइड्रेटिंग मिस्ट. ये मेरे पास है, दिस आई यूज. हाँ, ये इसी जैसा ये मॉइस्चराइजर है, हाइड्रेटिंग. पता नहीं मुझे अगर ये यूज ही करना है तो मुझे लग रहा है ये बेटर है. फिर सेम है दोनों भी. ये जेल फॉर्म में मॉइस्चराइजर है, वो क्रीम फॉर्म में मॉइस्चराइजर है, ये प्रॉपर जेल बेस्ड है. गिव मी दिस. मुझे याद आ गया कि मुझे आईब्रो फिलर भी लेना है, आईब्रो पेंसिल भी लेनी है. तो इधर पेंसिल ले लूंगी या मैं फिर पाउडर ले लूंगी. आईब्रो पेंसिल और आईब्रो फिलर. सो बेसिकली आई हैव दिस, इज अ नॉर्मल पेंसिल. वो जो दूसरे वाले होते हैं पाउडर बेस फिलर, ये है फिलर. वो ये कौन से वाले हैं? ये पाउडर बेस्ड फिलर है, ये न्यू आया है. आपको डेंस आईब्रो चाहिए आप डायरेक्टली हाँ हाँ यही अच्छा लग रहा है. ये तो मुझे 100% दे दो. दिस इज वेरी नाइस. ये मैं आपको बाद में बताती हूँ. दिस इज वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस. या या एनी गुड ग्लॉस? नाइस ग्लॉस इन दिस. हाँ, लिक्विड मैट है? नहीं, लिक्विड मैट नहीं चाहिए, ग्लॉस चाहिए. ग्लॉस ये सारे. हाँ नाइस, दिस इज. और बस मैं ना इस अंदर से बहुत जल्दी निकल जाऊंगी, कुछ खरीदती जाऊंगी वरना. ये कितना चल जाएगा ये वाला? एक दो महीना चल जाएगा ना? थैंक यू. तो फाइनली 10,000 रुपए का कुंडा करके मैं वापस आ गई हूँ. गाड़ी में बैठ रही हूँ और गाड़ी में बैठ के आपको चीजें दिखाती हूँ कि मैंने क्या लिया है. वैसे तो आपने देख ली होंगी लेकिन फिर भी दिखा देती हूँ. आज अविनाश छोड़ेगा ना मुझे. मुझे क्यों लग रहा है मेरी आईब्रो ज्यादा डार्क हो गई है? क्योंकि ऑलरेडी मैंने वो लगाया हुआ था ना आईब्रो पेंसिल, उसके ऊपर और लगा लिया. सामान भी रखो, ब्लॉगिंग भी करो, गाड़ी भी चलाओ, कैसे होगा सब कुछ. तो अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या चीजें ली है. एक मैंने ये लिया है स्पोर्ट्स वेयर, ये वाला कलर का. अविनाश मुझे छोड़ेगा नहीं लेकिन क्या करूं, जिद भी तो कोई चीज होती है, ढीठपना भी तो कुछ होता है. ये मैंने लिया है क्लिनिक का हाइड्रेटिंग जेली. एक मैंने नायका का लिपस्टिक लिया है और मैंने लिया है एक आईब्रो पेंसिल. ये मुझे बहुत अच्छा लगा. तो अब मैं जा रही हूँ घर और अविनाश से आज खाने वाली हूँ मैं छित्तर. समझते हो छित्तर मतलब? चंड तो चंड, पंजाबी लोग समझ जाएंगे. तो मैं जा रही हूँ घर, आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में. टिल देन डू लाइक शेयर कॉमेंट. मुझे ऐसा लगा कि ना पीछे गाड़ी में कोई बैठा हुआ है, मैं एकदम डर गई. डू लाइक कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज संभावना सेठ एंटरटेनमेंट. ठीक है, लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना.